बहुत स्वागत है मेरे चैनल के कौन नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ पीको पेन का। ये जो की डिवाइस है ईडीसी वेब की तरफ से है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन की लिंक से आप इसे ले सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ इसकी अनबॉक्सिंग, उसी के साथ में इसका रिव्यू। तो चलिए सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं बॉक्स ओवरव्यू की। तो अगर सामने की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर हमें हमारे वेब की फोटो मिल जाती है। उसी के साथ में अगर पीछे की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं। अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसी के साथ में नीचे की तरफ हमें यहाँ पर एक स्क्रैच कोड मिल जाता है, जिसे स्क्रैच करके आप देख सकते हैं कि आपका जो डिवाइस है ये बिल्कुल ओरिजिनल है या फिर फेक। उसके बाद में बॉक्स को ओपन करते ही हमें यहाँ पर दिख जाता है हमारा ईडीसी वेब का लोगो। उसी के बाद में चलिए मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसके अंदर हमें क्या क्या बॉक्स कंटेंट्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हमें देखने के लिए यहाँ पर मिल जाती है ईडीसी वेब की यूजर मैनुअल। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप इस डिवाइस को यूज करने से पहले इसे जरूर से पढ़ लें। उसी के साथ में हमें यहाँ पर एक बॉक्स मिल जाता है, जिसके अंदर हमें मिल जाते हैं इसके पहले से प्रीफिल्ड 3 पॉड्स जो कि अलग अलग फ्लेवर के हैं। यहाँ अगर आप टॉप पर देख पा रहे हो तो यहाँ पर आपको अलग अलग कलर्स मिल जाते हैं, जिसका मतलब कि होता है अलग अलग फ्लेवर्स। उसी के साथ में हमें यहाँ पर मिल जाते हैं USB टाइप सी केबल, जिसको यूज करके आप अपने वेब को चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने मेन बॉक्स कंटेंट की तरफ। तो जो कि हमारा मेन बॉक्स कंटेंट है वो है हमारा मेन वेब। तो यहाँ पर चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, पूरा का पूरा मेटल का बना हुआ है। उसी के साथ में यहाँ सामने की तरफ आपको एक छोटी सी लाइट देखने के लिए मिल जाती है, जैसे ही आप इसके ऊपर पफ लेंगे ये लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। उसी के साथ में बॉटम की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका चार्जिंग स्लॉट, जहाँ पे आप उस चार्जिंग केबल को लगा करके इसको चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसके अंदर इसके पॉड को लगा लेता हूँ। ये मैग्नेटिक है तो इसके अंदर पॉड डायरेक्टली ही आपको फिट कर देना है, इसके अंदर आपको स्क्रू करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद में पॉड लगाने के बाद आपको इसके पास स्टॉप कैप को लगा देना है, उसके बाद आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसके अंदर पहले से फ्लेवर फिलअप्ड है तो आपको दोबारा फ्लेवर फिल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने इसको दोबारा से रिफिल करने का एक तरीका निकाल लिया है। इसके ऊपर जो है एक व्हाइट कलर का कैप देख पा रहे हैं, इसको आप एक निडल को यूज करके इजिली ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको थोड़ा टिल्ट करेंगे जो कैप है ये इजीली निकल आएगा। उसके बाद जो यहाँ पर आप कॉटन देख पा रहे हैं, इसके ऊपर आप अपने फ्लेवर को ड्रॉप करके इसे दोबारा से रिफिल कर सकते हैं। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप इसके अंदर या तो निकोटीन सॉल्ट्स फिल करें या फिर निकोटीन वाले फ्लेवर ही यूज करें। तो चलिए अब मैं आप लोगों को एट लास्ट दिखा देता हूँ इसका वेपर प्रोडक्शन, उसके साथ आपको इसके कुछ प्रोज और कुछ कॉन्स बता देता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा ये थी इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग, उसी के साथ में इसका रिव्यू। तो चलिए अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसका वेपर प्रोडक्शन। तो इस समय जो पॉड इसके अंदर मैं यूज कर रहा हूँ ये है ब्राउन वाला, जो कि आप लोगों का होता है बिल्कुल टबैको से रिलेटेड फ्लेवर। तो ये जो कि सारे इसके अंदर पॉड है ये आपको मिल जाते हैं 50 mg ऑफ निकोटीन के साथ में। वैसे ये रिफिलेबल नहीं है, लेकिन मैंने इसका एक तरीका निकाल लिया है रिफिल करने का। तो मैंने इसको दोबारा से रिफिल कर लिया है अपने नॉर्मल फ्लेवर के साथ में, और इसके अंदर जो एक्सेस वाला फ्लेवर था उसको मैं दूसरे कॉटन से सक करके निकाल चुका हूँ, क्योंकि हैवी निकोटीन फ्लेवर मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है, और दूसरा 50 mg कुछ ज्यादा ही हो जाता है। तो अभी जो फ्लेवर मैं इसके अंदर यूज कर रहा हूँ वो है स्मोका का ब्लूबेरी फ्रॉस्ट। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका वेपर प्रोडक्शन। तो ये थी एक माउथ टू लंग हिट। अब मैं चलिए आपको दिखा देता हूं इसमें एक डायरेक्ट लंग हिट करके। तो हाँ गाइस, आप इस डिवाइस से डायरेक्ट लंग हिट भी कर सकते हैं, लेकिन वो काफी रेस्ट्रिक्टिव होगी, और उसी के साथ में जो आपको इसके अंदर निकोटीन हिट मिलेगी वो काफी अच्छी है। इसके अंदर आपको बहुत ही अच्छी निकोटीन हिट मिल जाती है, इनफैक्ट इसके पॉड में आप यूज कर सकते हैं निकोटीन सॉल्ट्स भी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस डिवाइस के कुछ प्रोज और कुछ कॉन्स की। तो सबसे पहला प्रो, इसका जो ये पॉड है ये मैग्नेटिक है, इसको आप बिना इसको ओपन करे भी डाल सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से, ये डायरेक्टली अपनी जगह पर जाकर अपने आप स्टिक हो जाता है। उसी के साथ में जो इसकी बैटरी है वो आपको मिल जाती है 650 mAh की, जिसमें आप लोगों को मिल जाते हैं लगभग 600 puffs। तो इसमें अगर 600 puffs मिलते हैं तो मेरे हिसाब से चलना चाहिए कम से कम 3 दिन तक, क्योंकि आपको जो कि इसकी जो इतनी हार्ड निकोटीन है उसकी वजह से आपको ज्यादा पफ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए एक आर में ज्यादा से ज्यादा 10 puff भी बहुत ज्यादा होंगे, तो 600 puffs बहुत ही ज्यादा है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस डिवाइस के कुछ कॉन्स की। तो इस डिवाइस का जो सबसे पहला कॉन मुझे लगता है, इसके अंदर कोई भी आपको फिजिकल बटन नहीं मिलता है जिसको यूज करके आप इसे फायर कर सकते हैं। इस डिवाइस को आप कर सकते हैं ड्रैग एंड पफ, ये जो कि इस टाइप के मोड होते हैं इसके अंदर कुछ समय के बाद में प्रॉब्लम आने लग जाती है, अगर आप ड्रैग करेंगे तभी ये वर्क नहीं करते हैं। बट मैं इसे अभी 1 week से यूज कर रहा हूँ, मुझे अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं मिली है। तो उसी के साथ में मुझे जो इसका दूसरा कॉन लगता है वो ये है कि आप इसके पॉड को रिफिल नहीं कर सकते, बट मैंने जो वे आपको बताया उसके थ्रू आप फिल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को अभी नहीं पता है
कि इसके पॉड को आप लोगों को किस तरह से रिफिल करना है, तो हो सकता है कि वो कौन हो आप लोगों के लिए, बट हाँ मैं आप जान चुका हूँ कि हमें इसे किस तरह से रिफिल करना है। और इसके अलावा मुझे इसके अंदर कोई भी कॉर्ड नहीं मिलते हैं। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, पूरा मेटल का बना हुआ है। उसी के साथ में नीचे की तरफ आपको यहाँ पर एक टाइप सी कनेक्टर मिल जाता है, जिससे कि आप इसे चार्ज कर सकते हैं। ये चार्ज हो जाता है लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंदर, और उसके बाद कम से कम 3 से 4 दिन तक चलता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।